मानसून के दस्तक के साथ आसमान में छाए बादल सिर्फ डेरा ही नहीं डाले हैं, बल्कि पिछले चार दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश भी कर रहे हैं। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, तो वहीं कुछ इलाकों में जलजमाव से लोगों को जूझना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार हवा चलने के साथ झमाझम बारिश से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। इस संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक रिमझिम बारिश होती रहेगी। मंगलवार को लगभग 30 से 35 ml बारिश दर्ज किया गया है, जिसके संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो दिनों तक मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश की संभावना जताई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया। ये रिपोर्ट इसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनांक 16 और 15-16 को भी यानी कल के भी डेट बेरो ने दिखाया हुआ है कि एक दो स्थानों पर गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना और एक दो स्थानों पर बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश के में दिया गया है। और ये जो नारंगी रंग का जो दिया गया है, इसमें उन्होंने ये सूचित किया कि हम तैयार रहे कि अगर यदि बारिश होती है, तो इसके अलर्ट हम लोगों ने आपदा कार्यालय से जारी भी किया हुआ है। देखिए, अभी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, अभी आज और कल इसी तरह की वर्षा की संभावना उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यक्त की है। और धीरे तो उसके बाद फिर हल्की वर्षा का अगले तीन दिनों तक फिर अगली हल्की वर्षा होती रहेगी। इस संबंध में अभी हम लोगों को जो अलर्ट प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अगले चार पाँच दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। आज तकरीबन जो अभी तक हम लोगों के पास आया है, तकरीबन 56 मिलीमीटर के आसपास का एक स्टेटस हम लोगों को मिला है। तकरीबन 56 मिलीमीटर के आसपास वर्षा अब तक हो चुकी है। अभी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ तहसीलों के साथ लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। और यदि अभी एक दो सूचनाएं हम लोग को कैंपियरगंज क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन होने के पश्चात उन्हें जो भी अनुमन्य सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस हूँ। जनपद में लगातार तीन दिनों से छुटपुट और कभी कभी तेज वर्षा हो रही है, बिजली भी गिरने की सूचना प्राप्त हो रही है। मेरा अनुरोध है सभी आम नागरिकों से, आगामी दो दिन भी ऐसा रह सकता है तो एक तो घरों में रहें, कहीं ऐसे किसी स्थान पर सुरक्षित ढंग से रहें जहां अगर बिजली इत्यादि गिरती है तो उन पर इसका दुष्प्रभाव ना हो। और ये वर्षा किसानों के लिए बहुत अच्छी है, अभी आगे धान रोपाई का कार्य होना है, आगामी दो दिन तक वर्षा होने की संभावना है। कहीं से कोई जान माल की या किसी प्रकार की कोई क्षति की सूचना नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं।